नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्लिक पर। मैं हूं नीलू व्यास और खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पंजाब में हैं जहां पर मतदान 20 फरवरी को होने जा रहा है। कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस। आज इस समय जहां पर मैं हूं वो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का घर। ये जो भी आप जो पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ उन लोगों की है जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चरणजीत सिंह चन्नी निकलेंगे और फिर लोग उनसे मिलेंगे। अच्छा चन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आपके लिए सबसे मुश्किल इलेक्शन है सर? नहीं नहीं, सबसे आसान इलेक्शन है क्योंकि पब्लिक से इतनी सपोर्ट मिल रही है। हर कोई चाहता है कि हमारी सरकार दोबारा आए जी। जो 111 दिन में काम किए हैं वो लोगों को बहुत पसंद आया है, और जिस तरीके से हमने दिन रात करके पंजाब की सेवा में लगे वो लोगों को पसंद आया है। तो लगन है, नेक नीति है, ईमानदारी है, इससे आगे पंजाब को लेकर जाना है। आपके बारे में एक चीज़, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने ट्रैवल किया और आपके बारे में ये बोला जाता है कि चन्नी जी पहले अगर आ गए होते तो पंजाब का और भला हो गया होता। तो आपको नहीं लगता कि आपको जो सीएम बनाया उसमें बहुत देर हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है, परमात्मा का विधान होता है। जब किसी से परमात्मा ने और लोगों ने काम लेना है जी, उसी समय के अनुसार ही होता है सब कुछ। तो अब समय आ गया है, पब्लिक चाहती है कि पंजाब में हम लोग इकट्ठे मिलकर काम करें और पंजाब को आगे लेकर जाएं। लेकिन जिस समय अमरिंदर सिंह और को हटाने की बात हो रही थी और उस समय बहुत उथल पुथल देखा गया था कांग्रेस में, तो आपको लगता है कि अगर आज ये अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू जी और ये सब जो सारा एक अगली चैप्टर जो पूरा कांग्रेस में देखा गया वो नहीं होता तो चीज़ें आज बहुत आसान हो गई होती कांग्रेस के लिए? नहीं नहीं, आज ज़्यादा आसान होगी उसके कारण, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा ना जाता तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। अच्छा, उसको वो बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी को लोग पंजाब में अच्छा नहीं समझते, बीजेपी की नीतियाँ पंजाब के हित में नहीं है, इसलिए कैप्टन का उधर जाना लोग समझ गए कि ये पहले से मिला हुआ था और नुकसान कर रहा था। तो आज हमें उसी चीज़ का फायदा हुआ है कि हमने जो एक परफॉर्मर नहीं था उसको हटाकर आगे बढ़े हैं। जिस दिन आपका नाम डिक्लेयर हुआ था उस दिन सबने देखा था कि राहुल गांधी ने बोला कि एक बहुत गरीब परिवार से चन्नी जी आते हैं और आज उसी गरीबी के कारण उन्होंने लोगों का मन जीत लिया है और सब गरीबों को लगता है कि उनके लिए हाजिर है चन्नी जी। लेकिन सिद्धू जी ने आपको उस दिन गले लगाया स्टेज पे, आप बड़े बड़े अच्छे से मिले, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि भाई अब जो भी फैसले लेंगे वो चन्नी जी लेंगे। तो इसका क्या मायने है? क्या आप और सिद्धू जी आज भी एक ही पेज पर हैं या आज उनकी राह अलग है और आप बिल्कुल कैंपेन में व्यस्त हो गए हैं? नहीं नहीं, हम इकट्ठे हैं, पार्टी के प्रेजिडेंट हैं वो, उनका जो मॉडल है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये ठीक है, उनकी ये उनके लिए अच्छाई है कि उन्होंने कहा कि चन्नी जी आप फैसले लेंगे, लेकिन हम कलेक्टिवली ही फैसले लेने में विश्वास रखते हैं और कलेक्टिवली ही लेंगे। ये तो आपका बहुत ह्यूमिलिटी भरा स्टेटमेंट है। आपने कहा कि सब कुछ एक है और वो जो पंजाब का मॉडल वो प्रपोज कर रहे हैं, तो वो क्या सिद्धू जी का पंजाब मॉडल था और जो आपका पंजाब मॉडल है और जिस तरीके के सपने आप देख रहे हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क आपको दिखता है? देखो, मैं सपने वो देखता हूँ जो एक गरीब परिवार का नौजवान देखता है जी, जो एक मिडिल क्लास का नौजवान देखता है, जो एक किसान का लड़का देखता है, जो एक दुकानदार सपने देखता है, मेरे वही सपने हैं। क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली देखी है, दुकानदार रहा हूँ, किसानों के साथ काम किया है, मजदूरी देखी है, तो जो उनके सपने होते हैं कैसे पंख लगें, कैसे हम उड़ें, मैंने उनको उड़ारी देनी है, मैंने उनको पंख लगाने हैं, मैंने उनके पंख बनना है ताकि वो उड़ारी मार सकें। तो वही मेरी एक तमन्ना है और मैं उसी को आगे लेकर जाऊंगा। यही मेरा मॉडल है कि उनको कैसे उठाना है जी, यही मेरा मॉडल रहेगा। देखिए चन्नी जी, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स सिद्धू जी की डॉटर दे रही हैं राबिया, और कल जैसे बहुत ही अजीब सा लगा लोगों को सुनकर कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू के आगे चन्नी जी कहीं खड़े नहीं हो सकते और उस तरीके की बातें उन्होंने कही, तो उसका आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा कांग्रेस के कैंपेन पर या आपके ऊपर इसका कोई असर पड़ता है? मैं कब खड़ना चाहता हूँ नवजोत सिद्धू के आगे, मैं खड़ा ही नहीं होता उनके आगे, मेरे भाई हैं और मैं साथ खड़ा होऊंगा, आगे नहीं खड़ा होऊंगा।
अच्छा चन्नी जी, आपकी लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता का कंपैरिजन लोग बहुत करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में एक बिल्कुल एक नया दलित आइकॉन आ गया है जिसके आगे मोदी जी नहीं खड़े हो सकते। देखो मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, वो सूरज हैं, मैं दिया हूँ, मैंने दिए से रोशनी देनी है, वो सूरज की तरह दे रहे हैं। जब तो मैं उनके मुकाबले में नहीं हूँ, ना ही मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। वो 3 बार स्टेट के CM रहे, वो प्राइम मिनिस्टर हैं 2री बार, तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं, मेरी अपनी डगर है, तो मैं अपनी पनगट पे अपनी डगर पे चल रहा हूँ और मैंने लोगों को काम करने हैं, बस यही मेरी एक, मैं समाज सेवी जैसे हूँ, मैं मिशनरी बनता हूँ, मैं कोई मतलब महत्वाकांक्षी या अहदे की दौड़ में नहीं। कई लोग रास्ते में मुझे मिले और बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि चन्नी जी का स्टाइल एक बहुत ही अजीब स्टाइल है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, आपका USP क्या है? मेरा कोई USP नहीं है, मैं अपना जैसा हूँ वैसा ही अपनी धुन में रहता हूँ। क्या है वो स्टाइल? मैं अपनी धुन में रहता हूँ जी, मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं लोगों जैसा हूँ। अच्छा चन्नी जी, जो 2022 का चुनाव है बहुत पेचीदा है, क्योंकि इस बार ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को टक्कर इस बार अगर कोई पार्टी देगी तो वो है आम आदमी पार्टी। लोग ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, एक विकल्प के रूप में उसको क्यों देखा जा रहा है इस बार पंजाब में? आम आदमी पार्टी वाले झूठ बहुत बोलते हैं, तो वो हवा में गुवार बना लेते हैं, अल्टीमेटली बैठ जाता है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था हमें 100 सीटें मिलेंगी, पोस्टर लगा दिए 100 सीटों पर, 20 आई। इस बार वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि वो मेजॉरिटी की बात करें, तो इस बार उनको कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये हवा है, वो हवा बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, हर बात को झूठ पे खड़ा कर देते हैं और अल्टीमेटली लोगों को असलियत सामने आ जाती है। आपके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी के सर्वेज हैं उसमें चमकौर साहिब से आप हार रहे हैं। कहने में क्या चाहता है, लेकिन आप मेरे साथ घूमो, अब मैं सुबह से 14 प्रोग्राम कर चुका हूँ, अभी 5 मेरे और हैं, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब आगे देखना कितने लोग इंतज़ार करते हैं और कैसे प्यार करते हैं। तो किसी के कहने से क्या होगा, मैं 3 बार इलेक्शन लड़ा है, हर बार मेरी जो लीड है वो ट्रिपल हुई है। पिछली बार मैं 12,500 से जीता था, इस बार भी मेरी लीड ट्रिपल कम से कम होगी। लेकिन पार्टी की जो रणनीति थी वो ये क्यों थी कि आपको 2 सीट से लड़ाया जाए, चमकौर साहिब से और रावतौर से? मालवा में जरूरत है जी, वहाँ CM तो 2 रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। ओके, तो मेरी इच्छा है उस एरिया को भी ऊपर उठाने की। अच्छा, इसलिए लड़ रहा हूँ। तो विकास के कारण आप कह रहे हो कि उस एरिया का विकास हो, इस वजह से आप 2 सीटें लड़ रहे हैं? होना चाहिए, वो एरिया बहुत पिछड़ेपन में रह गया है, इसलिए उसको आगे लेकर जाए। तो इस बार कितनी सीटों का आकलन आप कर पा रहे हैं कि क्या कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? हम कंफर्टेबली 2/3 मेजॉरिटी लेकर जाएंगे, एक अच्छी और मजबूत सरकार पंजाब को देंगे। चन्नी जी, जब भी कोई एक बड़ा नेता खड़ा होता है और जैसा आप एक आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं, दलित आइकॉन के रूप में, कि एक दलित CM है पंजाब का, तुरंत देखा जाता है कि ऐसे नेताओं को दबाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए ED ने क्या किया, आपके भतीजे जो थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और कहा गया कि देखिए ये 133 करोड़ का जो आदमी है वो इतना गरीब कैसे हो सकता है और भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ये जो ED की तरफ से जो ये केंद्र सरकार ने किया है, इसको क्या कहेंगे सर? मैंने पहले भी कहा था ये लोग झूठ पे खड़ी करते हैं। अब आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है भगवंत मान, वो कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी 169 करोड़ की है, जबकि मैंने भरा है कि 1 करोड़ 16 लाख भरा है जी। 1 करोड़ 16 लाख की प्रॉपर्टी है मेरी, जिसमें मेरे घर है, सब कुछ है, घर की 20-22 साल पहले बना था, अब कीमत बढ़ गई है प्रॉपर्टी की, तो इसलिए 1 करोड़ 16 लाख मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो इसको 170 लाख बताते हैं, तो झूठ की भी कोई हद होती है। तो ऐसे ही पूरा प्रोपेगेंडा है आपके बारे में जो टोटली झूठ का प्रचार है। केजरीवाल को हर बार आदत पड़ गई है कि इलेक्शन में बड़े बड़े एलिगेशन लगाओ, बाद में माफ़ी मांग लो। जेटली जी से मांगी थी, गडकरी जी से मांगी थी, मजीठिया से मांगी थी, अब मेरे से मांगेगा,
लेकिन एक सीएम पद का आदमी अगर झूठ बोलकर हर बार गोडे टेककर माफ़ी मांगे तो ये इखलाक से गिरी हुई बात है। पहले ही वो बात करनी चाहिए जो सच्ची हो और जिसमें। लेकिन जो 2022 का चुनाव है चन्नी जी, आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा इस समय जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? बीजेपी है, अमरिंदर सिंह है, सिद्धू है, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर भी हैं और कांग्रेस के बाहर भी हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय आपका? मैं खुद ही अपना प्रतिद्वंदी हूँ, मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ, मैंने खुद को सही रखना है, बस मेरी यही लड़ाई अपने आप से रहती है। चन्नी जी, लेकिन कांग्रेस के पास नेताओं की ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमी दिखती है कांग्रेस में, खासकर पंजाब में, और आप जैसा जो एक राइजिंग स्टार था वो अचानक से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के झोली में आ गया और कांग्रेस ने सोचा कि बस अब इन्हीं को प्रोजेक्ट करना है और इन्हीं में पूरी उम्मीद की किरण लग रही है। तो कांग्रेस में नेताओं की ही कमी नहीं है जी, बहुत नेता है। अमरिंदर सिंह के बाद कौन है सर? अमरिंदर सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू हैं, प्रताप बाजवा हैं, लेकिन वो तो अपने मरमर्जी के मालिक हैं। सुनील जाखड़ हैं और सुखी रंधावा हैं, तृप्त बाजवा हैं, आशु है, सिंगला जी हैं, ब्रह्म इंदिरा जी हैं, कोई अंत ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे लीडर हमारे पास हैं और आम आदमी पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है। भगवंत मान का नाम दिया है, उसका पता नहीं होता कि किस समय किस हालात में हो, एजुकेशन कोई है नहीं है, ब्लैंकेट है बिल्कुल, तो ऐसे लोग कैसे पंजाब में राज करें? तो आपको लगता है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है अगर भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं तो? नहीं नहीं, देश और कौम, देश और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पंजाब में आम आदमी पार्टी आने से, ख़ास तौर से पंजाब का। अब देखो, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, हरियाणा का रहने वाला है, हमारी हरियाणा से पानी की लड़ाई है, हमारी हरियाणा से चंडीगढ़ की लड़ाई है जी, हमारी हरियाणा से पंजाबी बोल रहे इलाकों की लड़ाई है, तो ये सभी बातें वो हमारी सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपके प्रचार के समय में जो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें लाउडस्पीकर्स लगे होते हैं, तो उनमें एक लाइन है जो गानों में चलती है, चन्नी करता मसले हल। क्या है वो गाना जरा, क्योंकि कई लोग पंजाबी में उसको समझ नहीं पाते, तो उस गाने में क्या बोल है उसके, वो समझना चाह रही थी आपसे। ऐसा है, 111 दिन में जो जैसे हमने काम किया है जी, लोगों को लगने लगा है कि चन्नी हमारे मसलों को हल करता है, तो उसमें अब ये आ गया कि घर घर में चली गल, चन्नी करता मसले हल। ओके, हर घर में ये बात चल रही है कि चन्नी मसलों को हल करता है ये। ओके, तो आकलन क्या है कि कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को आ जाएंगी? मैंने पहले भी कहा, हम 2/3 मेजोरिटी से बहुत ही अच्छी और मजबूत सरकार देने वाले हैं। अब आगे का जो अब कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण पर है, तो क्या कहेंगे अब पब्लिक से? मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूं कि ये समय है सोच विचार कर आगे बढ़ने का, पंजाब को आगे लेकर जाने का। हम बाहर के लोगों के हाथ में अगर पंजाब सौंप देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आओ पंजाबी इकट्ठे हों और पंजाब को आगे लेकर जाएं, पंजाब में नेतृत्व पंजाब के लोग करें और पंजाब खुशहाल हो और तरक्की करें।